हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को व्रत में खाई जाने वाली मूंगफली की चटनी बनाना बताऊंगी। ये खाने में सभी को बहुत पसंद आती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्लस आप इसे किसी भी फास्ट जैसे कि शिवरात्रि, नवरात्रि, एकादशी या फिर जन्माष्टमी पर बनाकर खा सकते हैं। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए इस व्रत वाली पीनट यानी कि मूँगफली की चटनी को बनाना शुरू करते हैं। व्रत वाली मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने ये आधा कप भुनी हुई मूंगफलियाँ ले ली हैं। साथ ही मैंने इनके छिलकों को भी अलग निकाल दिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये भुनी हुई मूंगफली के दाने डालेंगे। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम अब इसमें ये आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और अब हम इसमें ये आधा कप पानी ऐड करेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ बनी है। तो अब हम चटनी को बोल में अलग निकाल लेंगे और बस अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का बनाने के लिए पैन में हम ये 2 चम्मच घी डालेंगे। फिर हम इसमें ये 6-7 कड़ी पत्ते डालेंगे, आधा चम्मच तेल डालेंगे और दोनों चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। तो ये हमारा तड़का बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और तड़के को चटनी में डालेंगे। तो ये हमारी व्रत वाली मूंगफली की चटनी बनकर एकदम तैयार है। आप इस चटनी को इडली, डोसा, पकौड़ी, चीले, पराठे किसी के साथ भी खाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।